क्या आपको भी मेरी तरह सनस्क्रीन लगाने में आलस आता है? क्या आपको भी स्ट्रॉन्ग सनस्क्रीन की स्मेल से चक्कर आते हैं? क्या सनस्क्रीन लगाते ही आपको हैवी हैवी और पसीना पसीना फील होता है? क्या SPF से आपके मुंह पर व्हाइट पैचेस बन जाते हैं? इफ योर आंसर इज येस, देन दिस वीडियो इज द सॉल्यूशन फॉर यू। Hello everyone and welcome or welcome back to my channel The Dusky Mermaid. My name is Manshi Singh and this video is the part 3 video of the Wow Skin Science series. In this video I'm going to review this spray sunscreen. It's SPF 30. It is called Wow Skin Science UV Water Transparent Sunscreen and now I'll show you how to use it and how it is really different from the our regular sunscreen that we use that contains a lot of chemicals. लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग। इट्स अ प्लास्टिक पैकेजिंग जिसपे नोजल स्प्रे है, वो काफी सिक्योर है, इट स्प्रेड्स द राइट अमाउंट। ये ऑथेंटिकेशन का QR कोड है जो आपको डिस्काउंट्स दे सकता है इफ यू स्कैन इट। बैक पे सारे इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्शन सब कुछ मेंशन है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट रीड इट। An SPF 30 sunscreen and it is for all skin types. My skin is really oily, so my problem क्या है, बाकी sunscreen के साथ जो normal होते हैं वो बुरे नहीं होते, अच्छे होते हैं, but because my color is मोर ऑफ अ डार्क कलर, तो जब भी मैं कोई लगाती हूँ सनस्क्रीन वो एक व्हाइट पैचेस छोड़ देता है। या तो मैं 20 SPF लगाऊँ, 20 SPF का कोई फायदा नहीं होता। सो यू शुड ऑलवेज यूज 30 और मोर देन 30। सो जब मैं 30 लगाती हूँ तो आई हैव दिस व्हाइट पैचेस जो बहुत बुरे लगते हैं, बहुत ऑड लगता है, ऐसा लगता है मैंने फेयर एंड लवली लगाकर गोरा होने की कोशिश की है। सेकेंड थिंग, आई गेट अ लॉट ऑफ स्वेटिंग और मेरे लिए बहुत हैवी है सनस्क्रीन, आई गेट अ लॉट ऑफ एक्ने, पिंपल्स, बहुत कुछ हो जाता है मेरी स्किन पे। So I usually skip the sunscreen and that is a very very bad habit to skip. So what this sunscreen contains, it is a herbal product. It contains no parabens, no silicones, no mineral oil, no oxide color. Actually the oxide colors are the one to blame wo white patches ke liye, and it also doesn't contain any benzophenone. So yeah, कोई भी इसमें केमिकल नहीं है जो हमारे रेगुलर सनस्क्रीन में होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। एंड इट कंटेन्स नेचुरल सन ब्लॉकर्स, दैट इज रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट एंड एवोकाडो ऑयल। कैरेट्स आर एक्चुअली रियली गुड नेचुरल सनस्क्रीन, उनका जो ऑयल होता है, अगर इफ यू अप्लाई सिंपली कैरेट ऑयल तब भी बहुत अच्छा सनस्क्रीन इफेक्ट आता है। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग इसमें है। एंड इट इज UVA एंड UVB प्रोटेक्शन, शील्ड, कूल, सूथ्स एंड हाइड्रेट्स। So how do you apply it? You hold it, you open it and shake it vigorously because it's a two-phase thing. If you can see, I don't think you can see. यहाँ तक इसमें oil है, contains oil in this portion and यहाँ पर water है. So you have to really shake them क्योंकि ये two-phase products होते हैं, इनको अच्छे से shake करना ही पड़ता है liquid products को. And then you hold it 20 centimeter इतना and then just close your eyes and don't inhale the product. Very important, don't inhale it. और मैंने अभी मेकअप किया हुआ है, बट हाँ मैंने मेकअप करने से पहले भी इसको अप्लाई किया था, आई शो यू द वीडियो। और उसको लगाने के बाद मैंने मेकअप अपना किया हुआ है और इसको आई थिंक हाफ एन आवर हो चुका है, बट स्टिल मेरे फेस पे कोई ऑयलीनेस नहीं है, कोई मेरा पैची नहीं लग रहा मेकअप। दिस इज हाउ आई अप्लाई दिस सनस्क्रीन। आई फर्स्ट शेक इट विगरसली, देन 20 सेंटीमीटर्स दूर इसको होल्ड करके आई स्प्रेड ऑन ऑल द एक्सपोज्ड पार्ट्स लाइक फेस, नेक एंड आर्म्स, और देन जस्ट पैट इट जेंटली इनटू द स्किन। बेनिफिट्स ऑफ दिस सनस्क्रीन ओवर नॉर्मल क्रीम सनस्क्रीन इज दैट कि ये वाला जो सनस्क्रीन है ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, सो देर इज नो डिस्कलरेशन, इट इज नॉन स्टिकी, इट्स कम्प्लीटली एब्जॉर्बेबल इन टू स्किन, कोई हैवीनेस नहीं होती एंड स्किन एकदम मैट लगती है। फर्स्ट बेनिफिट तो ये कि ये मेकअप को नहीं हिलाता और ये अच्छी सी स्मूथ सी शील्ड बना लेता है, कोई पैचीनेस नहीं आती इसके बाद। सेकेंड थिंग, जब मैं मेकअप लगाती हूँ नॉर्मल सनस्क्रीन लगाने के बाद तो वो ना इकट्ठा होने लगता है, पता नहीं कुछ पैचेस से बन जाते हैं और वो व्हाइट व्हाइट से बन जाते हैं, पसीना बहुत आता है, बट इसको लगाने के बाद ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, तो कोई डिस्कलरेशन कहीं पे भी नहीं है। एंड द थर्ड बेस्ट थिंग कि इसकी कोई सनस्क्रीन टाइप की स्मेल नहीं है, क्योंकि मुझे आई हेट सनस्क्रीन की स्मेल, वो जो सिट्रस एक स्ट्रांग होती है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी बट आई थिंक मैं क्या बात कर रही हूँ, वो मुझे बहुत गंदी लगती है, मुझे उससे बहुत नौजिया होता है, बट इट रियली स्मेल्स वेरी फ्लोरल, मतलब बहुत ज्यादा एक म्यूटेड सी, म्यूटेड फ्लोरल। वी हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन एवरी 30 मिनट्स और एवरी 1 आवर, आई डोंट नो, बट हाँ 1 आवर में लगाना ही पड़ता है अब सनस्क्रीन, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं होता, वो हट जाता है। तो ये सनस्क्रीन ऐसा है दैट इफ यू स्प्रेड ऑन योर मेकअप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मेकअप विल बी स्टिल इंटैक्ट, वो उसको हटाएगा नहीं और
यूवी प्रोटेक्शन और मिल जाएगी। तो आई डोंट नो इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि यू कैन री अप्लाई योर सनस्क्रीन विद अ स्प्रे और बहुत इजी यू नो कन्वीनियंस है इसमें, क्योंकि कौन बार बार ट्यूब खोले उसको पोते। टू समराइज आई विल से दैट कि मुझे ये क्रीम सनस्क्रीन से ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है और सेम यूवी प्रोटेक्शन मिलती है, सेम ये टैन नहीं होने देता, सो या इट्स बेटर फॉर मी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू वॉन्ट टू वॉच द अदर टू वीडियोज, वन वॉज अबाउट द हेयर केयर एंड वन वॉज अबाउट द स्किन केयर इन द वाओ रेंज, एंड आई विल पुट द कार्ड इधर उधर एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में भी पूरी लिंक होगी मेरी बाकी दो वीडियोज की। इफ यू हैवंट वॉच इट, गो एंड वॉच इट, क्योंकि वो काफी अच्छी है, मैंने उसमें काफी कुछ अच्छा समझाया है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप और कमेंट डाउन बिलो व्हाट एल्स यू वांट मी टू रिव्यू, कोई और प्रोडक्ट, कोई कुछ भी, एनीथिंग, एनी मेकअप रिव्यू, एनीथिंग। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।